ये पहले तो आप ये समझ रहे हैं कि ये हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस है, ये तो सब लोग जानते हैं। ये लाफिंग गैस है, हंसाने वाली। कई बार पूछा जाता है भैया हंसाने वाली गैस, इसके बाद गंभीर बातें करेंगे। और कई बार रुलाने वाली गैस भी पूछी जाती, ध्यान से सुनेंगे। हंसाने वाली के साथ कई बार पूछा जाता है भैया रुलाने वाली गैस कौन सी है कि नहीं, रुलाने वाली गैस कौन सी है। ये हंसाने वाली गैस क्यों ऐसा होता है, बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा रुलाने वाली गैस सामान्यतः क्लोरोपिक्रिन का यूज इसके लिए किया जाता है, वैसे बहुत सारी चीज यूज की जाती। ये क्लोरोपिक्रिन क्लोरोपिक्रिन ये रुलाने वाली गैस है, टीयर गैस है, रुलाने वाली या आंसू गैस भी कहा जाता है। रुलाने वाली गैस या कई लोग आंसू गैस भी बोलते हैं इसको। तो ये रुलाने वाली गैस है और ये हंसाने वाली, ये हंसाने वाली गैस और ये रुलाने वाली गैस। रुलाने वाली गैस क्लोरोपिक्रिन, ये रुलाने वाली गैस क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोएस्टोफिनोन कई नामों से जाना जाता है इसको, क्लोरोपिक्रिन या क्लोरोएसिटोफिनोन। इसकी पूरी लिस्ट है, ऐसा नहीं कि आंसू गैस में केवल एक गैस का प्रयोग किया जाता है, चार पांच ऐसे गैस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई थी, इसीलिए अक्सर एग्जाम में जब पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन ये रहता है कि क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन इज द मेन टीयर गैस। बात समझ रहे हैं, पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लैक्रिमीटर्स के रूप में इसी का प्रयोग करती है। वैसे अगर आप देखेंगे, ध्यान से सुने, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारी गैसेज है, देखें क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोपिक्रिन, इसको पीएस कहा जाता है, और इसके बाद आप देखिए डाई बेंजो ऑक्सापाइन, क्लोरोबेंजाइल, डीना मैलो नाइट्रिल, ये सब आंसू गैस है, दीज आर, ये भी टीयर गैस है ये, और इसके बाद ये टीयर गैस है, देखिए ये टीयर गैस है, ये भी टीयर गैस है, दीज आर द टीयर गैस, ये सभी टीयर गैस है। लेकिन सारा जान के आप क्या करेंगे, देखिए क्लोरोपिक्रिन ज्यादातर यही यूज होता है, 80% यही यूज होता है, क्लोरोपिक्रिन क्लोरोपिक्रिन ये रुलाने वाली गैस में ज्यादा यही यूज होता है, रुलाने वाली गैस, बात समझ रहे हैं, यही रुलाने वाली गैस है। क्लोरोएसिटोफिनोन का भी यूज होता, भारत में अगर देखेंगे तो पुलिस दो चीज का यूज करती, क्लोरोएसिटोफिनोन का या क्लोरोपिक्रिन का, तो ये दो नाम अगर याद रखें तो काम बन जाता है। यूपीपीसीएस में एक दो बार ये भी पूछा है, क्लोरोएसिटोफिनोन दंगा नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, बात समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए सार्ट में ऐसे पढ़ा जाता है CN, PS, CR, CS, ऐसे बहुत सारे। तो भारत में पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, दंगा को नियंत्रित करने के लिए, या कहीं भी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए आंसू गैस का पुलिस के द्वारा प्रयोग किया जाता है, भारत में पुलिस द्वारा, भारत में पुलिस द्वारा दंगा नियंत्रण में भीड़ को नियंत्रित करने में या अपने प्रभाव को बढ़ाने में
टीयर गैस का इस्तेमाल करती है, आंसू गैस का, रुलाने वाली गैस, रुलाने वाली गैस का इस्तेमाल करती है, जिसमें क्लोरो पिक्रिन ये दोनों लिख लें, जिसमें क्लोरोपिक्रिन और क्लोरो एसिटोफिनोन या एसिटोफिनोन, जिसे आप लिख सकते हैं क्लोरो एसिटोफिनोन फिनोन भी कह सकते हैं, क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटो फिनोन, तो क्लोरोपिक्रिन और क्लोरो एसिटोफिनोन ये ज्यादातर यूज होती है।